शिलान्यास रिमोट द्वारा करें, माननीय प्रधानमंत्री जी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जम्मू के विजयपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 258 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। इस संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बेड्स का अस्पताल, जिसमें 30 ट्रॉमा बेड, 75 आईसीयू बेड्स, 16 ऑपरेशन थिएटर, 18 सुपर स्पेशलिटी विभाग और अत्याधुनिक उपकरण जैसे सीटी, एमआरआई और कैथ लैब से सुसज्जित होगा। 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, आवासीय सुविधाएं, छात्रावास और परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य सहायक सुविधाएं प्रस्तावित हैं। गृह रेटिंग के साथ एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। 1661 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले इस विश्व स्तरीय संस्थान को 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं एम्स जम्मू का शिलान्यास। 206 करोड़ रुपए की लागत से दरियाई चिनाब पर सजवाल परग्वाल इंद्री पतन 1640 मीटर की लंबाई वाला डबल लेन पुल बन जाने से यहाँ लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और 50 किलोमीटर का फासला कम होकर मात्र 3 किलोमीटर रह जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कि अपने कर कमलों द्वारा इस सेतु का नींव पत्थर रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, चनाब नदी की बहती धारा और इसके ऊपर उड़ने वाले पंछियों का अद्भुत नजारा, नदी के दोनों किनारों पे बसे दोबड़े गांव और उनके खेतों में लेलहाती फसलें एक दूसरे से मिलने को बेताब, यहाँ के लोग और यहाँ की ऐसी कई कहानियाँ, इन सबको आपस में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है, जिसके तहत आज इस पुल का संगे यह बुनियाद इस खूबसूरत नदी पर रखा जा रहा है। इस पुल की लंबाई 1640 मीटर है और इसका निर्माण कार्य लगभग 30 महीनों में पूरा होगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 206 करोड़ है। इस पुल के निर्माण से दोनों तरफ के 20,000 लोगों को फायदा होगा। इस पुल के बनने से 50 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 186 करोड़ रुपए की लागत से देविका और तवी नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस परियोजना का शिलान्यास अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक सुखद संयोग देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हम सब पावन देविका नदी के तट पर ही मौजूद हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र के कैंपस का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वो अपने कर कमलों द्वारा इसकी आधारशिला रखें।
IIMC दिल्ली को देश के नंबर वन मीडिया संस्थानों में गिना जाता है। उड़ीसा में ढेंकनाल, मिजोरम में आइजॉल, महाराष्ट्र में अमरावती, केरल में कोट्टायम और जम्मू कश्मीर में जम्मू देश में IIMC के 5 परिसर हैं। जम्मू केंद्र के अस्थाई परिसर से 2012 से अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा केरल में दी गई 15 एकड़ जमीन पर लगभग 16.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे इस केंद्र में जल्दी ही हिंदी और उर्दू में PG डिप्लोमा भी शुरू किया जाएगा। नए तिमंजिला भवन में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। 4,710 करोड़ की लागत से 624 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, चिनाब नदी बेसिन में जल विद्युत की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के प्रयासों से चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। जिला किश्तवाड़ में बनने वाली 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2,272 मिलियन यूनिट्स है। इस परियोजना को 54 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रम हेतु लगभग 99 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। परियोजना पूर्ण होने पर लोकल एरिया डेवलपमेंट पर करीब 25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाना है। 26 करोड़ की लागत से निर्मित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कठुआ को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जंगलोट के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। द कॉलेज इज लोकेटेड एट कठुआ, जम्मू J&K एंड इज रेडी फॉर लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। द कॉलेज वॉज सैंक्शन्ड अंडर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। द कॉलेज विल केटर टू द नीड्स ऑफ अराउंड 800 स्टूडेंट्स आफ्टर इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग एट इट्स फुल स्ट्रेंथ। मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना के विकास के खातिर माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति में J&K पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, J&K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और NHPC के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान होगा। NHPC, India's premier hydropower company, has commissioned 8 operational power stations aggregating to 2,339 megawatt installed capacity in Jammu and Kashmir. NHPC, with JKSPDC, is now creating a new landmark in development of hydropower in J&K with the execution of 850 megawatt Ratle hydroelectric project. The project is being constructed at a cost of ₹6,215.61 crores and is designed to generate 3,136.80 million units of electricity annually. NHPC, joining hands with JKSPDC to empower Jammu and Kashmir with hydropower. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कर कमलों द्वारा इन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, निसंदेह इनसे आवाम के जीवन में खुशहाली आएगी। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ उपस्थित विशाल जनसमूह आपके प्रेरणामय ऊर्जामय विचारों को सुनने के लिए उत्सुक है। हम इस मंच से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी चंद ही लम्हों में जनता के मंच से हम सबसे मुखातिब होंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर एडवर्टाइजमेंट्स इन चैनल 1, प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन 700-644-869।